तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस साल के आईएसएल फाइनल में हुए मैच के मैच रिजल्ट, मैच रिव्यू के बारे में, और उसके साथ साथ बात करेंगे गोल्डन बूट और गोल्डन ग्लव विनर प्लेयरों के बारे में भी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बिना किसी रोक टोक के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू होने से पहले मैं सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग ऐसे ही स्पोर्ट्स और आईएसएल से जुड़ी हुई न्यूज़ और अपडेट पाना चाहते हैं रेगुलर के बेसिस पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जो आईएसएल का फाइनल मैच खेला गया था एटीके और चेन्नई एफसी के बीच, वो मैच एटीके ने 3-1 से चेन्नई एफसी को हरा के अपने नाम तीसरी बार आईएसएल चैंपियन का खिताब कर लिया है। दोस्तों, इस मैच में एटीके की तरफ से जो 3 गोल हुए हैं, जहां पर जावी हर्नांडेज ने 2 गोल दागे और एडू गार्सिया ने 1, और चेन्नई एफसी के तरफ से निजेस वेलोस्की ने 1 गोल दागे हैं। दोस्तों, इस फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं जावी हर्नांडेज, जिन्होंने 2 गोल दागे थे एटीके के तरफ से। अब बात करते हैं दोस्तों आईएसएल के गोल्डन बूट अवार्ड पाने वाले प्लेयर के बारे में, तो वो अभी बन चुके हैं चेन्नई एफसी के निजेस वेलोस्की, जिन्होंने अपने 20 मैचों में 15 गोल और 6 असिस्ट किए हैं, और उन्होंने कुल मैच टाइम खेले थे 1620 मिनट। और दोस्तों, गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला है बेंगलुरु एफसी के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू को, जिन्होंने अपने 19 मैचों में कुल 49 सेव दिए हैं, उसके साथ साथ उन्होंने 11 क्लीन शीट भी कर ले चुके हैं बेंगलुरु एफसी के तरफ से। तो दोस्तों, इस साल के आईएसएल आपको कैसा लगा, यह और इस साल में आपका फेवरेट टीम और प्लेयर कौन कौन थे, यह हमें बताना मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, उसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो आप रेगुलर बेसिस में पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।